दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त लगातार यूपी डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट आपके समक्ष प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, कल किसी ने कॉमेंट किया था कि हम कल जब शाम को एक वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड किए, तो कल से ही लगातार कुछ लोगों का कमेंट आया, ज्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ लोगों का आया है कि भैया आप रोज 10-15 मिनट हमारा खाने आ जाते हैं, आपके द्वारा दी गई चीजें ठीक नहीं लगती हैं। देखिए, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई चीजें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, अगर आपके काम की चीज नहीं लग रही है, तो प्लीज आप कॉमेंट सेशन में मुझे बता दीजिए, ठीक है। वैसे हमें तो नहीं लगता है कि मेरे द्वारा दी गई चीजें आपके काम की नहीं लगती हैं। मुझे, मैं पूरे 100% दावे के साथ इस चीज को कह सकता हूं कि जितने भी अपडेट्स डीएलएड के संदर्भ में आप सभी के सामने प्रोवाइड की जा रही हैं, सारी चीजें आज नहीं तो कल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से देखी जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग अगर जुड़े हैं तो कुछ लोगों की निगेटिविटी होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई चीजें आपके काम की नहीं है, तो प्लीज आप कॉमेंट सेशन में इस बात को प्रूफ जरूर कर दीजिए कि भैया आप वीडियो बनाना यूपी डीएलएड के संदर्भ में बंद कर दीजिए। हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें आपकी स्टार्ट कर देंगे, अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पर मत आइए, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत सारे भाई हैं, ऐसे हैं जिनके लिए बेहतर होती है अपडेट्स, इस वजह से उनके लिए पर डे में एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आपका लगातार जो कमेंट आ रहा था, पूछ रहे थे कि भैया जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो कब से प्रारंभ होगी, कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे थे, तो इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से क्रिएट है। आपको कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है डीएलएड के संदर्भ में, तो प्लीज आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, आप दोनों पर भी कहीं पर अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है। फिलहाल के लिए सबसे पहले कमेंट आप कर रहे थे कि भैया दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए 1,60,923 सीटें खाली हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जहां तक डीएलएड सवाल है तो इस वर्ष डीएलएड की जो सीटों की संख्या है वो काफी भयावह है, ठीक है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, यहां आप देख पा रहे हैं, अभी हम वर्तमान समय की बात करें तो प्रथम चरण की काउंसलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन 1,60,930 सीटें अभी भी 23 सीटें अभी भी आपकी खाली हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है। आप यहां देख पा रहे हैं, अभी तक तो जो है प्राइवेट कॉलेज का यह रिकॉर्ड रहता था कि अधिकतर सीटें कभी कभी खाली चली जाती हैं, लेकिन इस वर्ष आपकी डाइट की भी सीटें आप देख पा रहे हैं, 750 सीटें अभी भी करीब करीब ये खाली जा रही हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का लगातार ये कॉमेंट आ रहा कि भैया हम डाइट कॉलेज किस प्रकार से पा सकते हैं, तमाम तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम वीडियो आज आपके प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके कमेंट जो आ जाते हैं, नेक्स्ट अगला वीडियो आपके सभी कमेंटों को लिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, 750 सीटें हैं डाइट में, तो आपका जो कमेंट आ रहा था कि दूसरे चरण की काउंसलिंग इस डेट से हो सकती है प्रारंभ, बिल्कुल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी के सामने यह इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, जबकि पीएनपी की तरफ से भी एक पेपर कटिंग वायरल हो रही थी दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जहां तक दूसरे चरण की काउंसलिंग की बात है, तो सबसे चीज आप जानिएगा, पीएनपी की तरफ से जो अपडेट्स निकल कर आए थे, उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 7 दिन मींस 1 हफ्ते के बीच में आपके दूसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि निकाली जा सकती है। आप अगर पहले चरण में आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, तो आप दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए अभी से तैयार रहिएगा। आप अपने कॉलेज का डाटा बनाकर रख लीजिए, हमें इस कॉलेज को लॉक करना है, आप उसी हिसाब से अपने कॉलेज को लॉक कर दीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो प्लीज एक वीडियो हमने लाइव प्रूफ के साथ आपके समक्ष प्रोवाइड किया है, आप उस वीडियो को देखिए, टोटल सीटें आपको वहां वैकेंट सीटें भी दिखाई जाएंगी, और किस कॉलेज में कॉलेज कोड क्या होता है, कितनी सीटें भरी गई हैं, सारी चीजों का डिटेल हमने उस वीडियो में प्रोवाइड किया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप 1 हफ्ते का वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है, हमने 5 तारीख तक डेट आपको दी है, 5 तारीख के पहले पहले आपकी दूसरे चरण की काउंसलिंग 101% आपकी स्टार्ट करा दी जाए,
जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। आपका लगातार जो कमेंट आ रहा था, कैसे पता करें कि किस डायट में कितनी सीटें खाली हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अधिकतर स्टूडेंट जो जुड़े हैं, जुड़े क्या है, जो नहीं जुड़े हैं और जुड़े हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। सबकी एक ही इच्छाएँ होती हैं कि हम डाइट से डीएलएड करें। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें डाइट और प्राइवेट में अंतर बताया था। डाइट में आपकी फीस, हालांकि अगर फीस की बात किया जाए तो डाइट की फीस से कम होती है प्राइवेट की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, अगर आप डाइट से ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप डाइट से करना चाहते हैं तो आप सीटों का विवरण पहली चीज तो देख लीजिएगा। पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अच्छा नीचे यहाँ लिखा जा रहा है दूसरे चरण की काउंसलिंग में डाइट के लिए कितनी मेरिट जा सकती है, तो यह भी कहीं ना कहीं इस दोनों को अगर हम कंपेरिजन करते हुए आपसे बात करें कि कैसे पता करें किस डाइट में कितनी सीटें खाली हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगा आप वही वीडियो देखिए जो कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी जा रही है, वहां से भी आप किसी भी, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें चाहे आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, टोटल सीटों का विवरण वहां से आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। फिलहाल के लिए सीटें तो आपकी प्राइवेट में बहुत सारी खाली हैं, लेकिन सबकी इच्छाएं डाइट की होती हैं, तो आप डाइट को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि किस डाइट में कितनी सीटें खाली हैं और कितनी भरी गई। फिलहाल के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा जो 750 सीटें आपकी खाली हैं, कॉलेज तो सभी के नाम अलॉट हो गया था। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि कॉलेज सभी के नाम अलॉट हो गया था, ऐसा नहीं है कि सब लोग डाइट में एडमिशन ले ही लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी 750 से ज्यादा ही सीटें खाली होंगी। ठीक है, सब लोग एडमिशन नहीं लिए होंगे, भले से ही उन्हें डाइट मिल गया होगा, कुछ लोग बीएड की तरफ जाएंगे, बिल्कुल यह भी सत्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा और भी, जब आपकी दूसरे चरण की काउंसलिंग जब प्रारंभ हो जाएगी तब एक बार फिर से सारी चीजों का डाटा एक बार निकाला जाएगा। इस वजह से आप अगर सीटों की संख्या देखना चाहते हैं किस डाइट में कितनी सीटें खाली हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां हम बात करते हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग में डाइट के लिए कितने मेरिट जा सकती हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, डाइट के लिए हमेशा मेरिट अच्छी खासी जाती है। अगर हम सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, हमने आगरा डाइट की सीट, आगरा डाइट को चेक किया है, तो आगरा डाइट में जो सबसे हाईएस्ट मेरिट गई है वह 270 तक गई है। कितना? 270 तक, और लोवेस्ट 215 तक गई है। ठीक है, हाईएस्ट 270 और जो लोवेस्ट है वो 215 तक गई है। तो ये मान के चलिएगा अगर दूसरे पहले चरण की काउंसलिंग में 215 से लिया जा सकता है और 270 तक जा सकता है, तो दूसरे चरण की काउंसलिंग में और आपकी मेरिट लो हो सकती है। ठीक है, इस वजह से आप वरीयता जिस डाइट को आप चाहते हैं, आप पहली वरीयता आप उसी डाइट को दीजिएगा, चाहे जो भी आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपको जो भी डाइट चाहिए, आप जब भी कॉलेज को लॉक कीजिएगा, प्रथम वरीयता के क्रम में मीन्स पहला कॉलेज आपका वही डाइट होना चाहिए, या पहला कॉलेज आपका वही होना चाहिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि हमारी मेरिट बहुत ज़्यादा है और हम पहले में डाइट को लॉक कर दें, तब आप नहीं पाएंगे। मेरिट इसमें भी मायने रखी जाएगी, विदाउट मेरिट का एडमिशन आपके दूसरे चरण में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे यहाँ लिखा जा रहा है कॉलेज लॉक हुआ था, कुछ लोगों का भैया ये भी कमेंट आ रहा था कि कॉलेज हमने लॉक कर दिया था और एडमिशन नहीं लिया, क्या दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया था। अगर आपने 10,000 का पेमेंट नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में जिस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं उस कॉलेज को लॉक कीजिएगा, उसके बाद आपको उस कॉलेज का, जब आप लॉक कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे अगर आपने प्राइवेट को लॉक कर देंगे तो प्राइवेट आपकी मेरिट कितने भी कम क्यों ना हो सबको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप डाइट को लॉक कर रहे हैं तो आप मेरिट को समझ बूझ कर कीजिएगा, उसके बाद डाइट के बाद आप वही प्राइवेट कॉलेज डालिएगा जहां पर आपको आप एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हम बस का इंतजार करते हैं, हमारी गाड़ी नहीं आती है, हमको आने में समस्या होती है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कदापि यह काम मत कीजिएगा कि हम जाएं किसी और प्राइवेट कॉलेज में ले लें, प्राइवेट वाले तो एडमिशन दे देंगे लेकिन आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इस वजह से अगर आपने एडमिशन ले लिया तो पहली चीज आपने गलतियां कर दिया, आपको पहले समझना चाहिए, जब 10,000 का पेमेंट किया जा रहा था उसी वक्त अगर आपने समझा होता तो आज ये गलती आपसे नहीं हुई होती। ठीक है,
चलिए, तो बिल्कुल आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो भी कॉलेज आपको चाहिए आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, क्या डायरेक्ट एडमिशन में फीस अधिक लगती है? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया जब आप डायरेक्ट एडमिशन की बात हमने आपसे किया था तो आप कह रहे थे कि क्या जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो क्या उस डायरेक्ट एडमिशन के तहत जो हमारी फीसें होती हैं क्या वह ज़्यादा लगती हैं? तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आपकी फीस जो होती है वह प्राइवेट कॉलेज की फीस जो होती है वह 41,000 ही होती है। मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। आपकी फीस जो होती है वह 41,000 होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होता है, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं चाहे आप काउंसलिंग के माध्यम से जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऑनलाइन कराया है तब आप एडमिशन लीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो माइनॉरिटी कॉलेज में जाएंगे, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ी सी फीस आपकी ज़्यादा लगती है, लेकिन पहले तो वो आपसे 41,000 रुपये लेंगे, उसके बाद वहाँ आपका शोषण शुरू होता है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो थोड़ी सी फीसें ज़्यादा होती हैं गवर्नमेंट की अपेक्षा, ठीक है। तो बिल्कुल, क्या डायरेक्ट एडमिशन में फीस आपकी ज़्यादा नहीं लगती है? जो उनकी फीस की प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ कहें आपका प्रैक्टिकल का लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल के बाद परीक्षा शुल्क लेते हैं, ये तमाम तरह की प्राइवेटों की शुल्कें होती हैं, ये सभी शुल्क आपसे लिया जाएगा कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में। वैसे आपकी बार जो स्थिति है डीएलएड की, उम्मीद नहीं है कि आपके साथ शोषण किया जाएगा फिलहाल के लिए। वैसे जब आप जानते हैं कि जब आप कहीं एडमिशन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके साथ जो है वहाँ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इस वजह से आप जहाँ भी एडमिशन लीजिएगा डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को जांच परख के आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा जा रहा है काउंसलिंग में कॉलेज कैसे लॉक करें कि डाइट ही मिले। बिल्कुल, हमने अभी आपसे बताया कि अगर आपकी इच्छाएं हैं कि हम डाइट से ही बीटीसी या डीएलएड करेंगे तो आप प्रथम वरीयता के क्रम में वही डाइट दीजिएगा जिस डाइट से आप डीएलएड करना चाहते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा कि हम पहले कुछ पहले दूर वाला दे दें उसके बाद आ जाएं हम अपने घर के पास जो डाइट हमारे हैं। तो पहले तो अगर जो आपने डाइट दिया है पहली वरीयता आपकी वही रखी जाएगी, अगर आपको वह मिलने लायक होगा तो वही दे दिया जाएगा, और जब नहीं मिलने लायक होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरे डाइट में ले जाया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप डाइट चाहते हैं तो आप प्रथम वरीयता के क्रम में वही डाइट को चूज कीजिएगा जिस डाइट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन्स के लिए प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप उसी चैनल पर विजिट करें जहाँ पर आपको लगता है कि हमें इस चैनल के माध्यम से एक प्रमाणित जानकारी मिल पाती है, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स।